गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक हैं और अपने घरों में हैं। आप सभी को अपने घरों में ही रहना है ताकि आप सुरक्षित रहें और अपनी स्टडीज को इसी तरह कंटिन्यू करते रहें। ओके, सो वेयर वी वर, हम कहाँ थे? वी वर एट आवर चैप्टर 3 एडिशन। हम चैप्टर 3 एडिशन कर रहे थे। In previous class, we did addition by counting objects. Today, we will do addition by drawing lines. So, today, what will we learn? We will learn addition by drawing lines. आज हम addition करेंगे drawing lines. Lines draw करके, ठीक है? So, let's have an example. Let's have an example. Let's have an example. 5 plus 3. So what will be the answer? If there will be any objects, अगर यहाँ कुछ objects होंगे तो हम फटाफट उनको count करके और answer लिख देंगे. But अगर objects नहीं हैं, if there are no objects, then how we will solve this question? What will we do? We will draw lines. First, I will draw 1, 2, 3, 4, 5. And then I will draw 1, 2, 3. Now I will count all the lines and I will get the answer. So, main ab kya karungi? All lines ko count karungi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kitni total lines hai? Total lines hai yahan pe? How many total lines are there? There are 8 lines. So, I will write the answer 8. Okay? Like this, we will take one more example, that is 4 plus 4. So what will we do now? We will draw 4 lines. 1, 2, 3, 4. Again we will draw 4 lines because there is 4 also. So 1, 2, 3, 4. So now what will we do? We will count all these lines. What will we do? We will count all these lines. Then we will write the answer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. How many lines are there? There are 8 lines. So, what will be the answer? Answer will be 8. So, you will do addition by drawing lines. There are, on page number 32, there are so many additions. 32 and 33. Page number 32 or 33, pe bahut sare additions hai, jo aapko जो लाइंस ड्रॉ करके फिर एडिशन करने हैं, ठीक है? सो बहुत इजी कंसेप्ट है, आप बहुत इजीली कर सकते हैं। तो ये आपको बुक में ही करना है। बहुत सारे पेरेंट्स को भी दिक्कत आ रही है कि हमको ये वर्क बुक में कराना है या नोटबुक में कराना है, प्लीज मैम आप ये एक्सप्लेन कर दीजिएगा। तो मैं यही कहूंगी कि ये जो पेज नंबर 32 और 33 का वर्क है वो आपको बुक में ही करना है, ठीक है? नाउ कम टू पेज नंबर 34। 34 पे भी कुछ क्वेश्चंस हैं, उसमें आपको कुछ भी नहीं दे रखा है कि आपको एडिशन ड्राइंग लाइन से करना है या एडिशन आपको काउंटिंग बाय ऑब्जेक्ट्स करना है। तो ऑब्जेक्ट्स तो यहाँ बने नहीं है, इसलिए ऑब्जेक्ट्स को काउंट करके तो आप इनको कर नहीं सकते, लेकिन एडिशन आप ड्रॉ करके, लाइन्स को ड्रॉ करके आप आसानी से कर सकते हैं। और इस आप बहुत ईजी टॉपिक है, इसलिए मैंने आपको 2 ही एग्जाम्पल दिए हैं। यहाँ आपके बहुत सारे आपको एग्जाम्पल है, क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं, वो आपको करने हैं किस तरह से लाइंस को ड्रॉ करके। जैसे अगर आपको दे रखा है 6 plus 1, व्हाट विल यू डू? यू विल ड्रॉ 1 2 3 4 5 6, 6 लाइंस एंड 1 मोर। सो हाउ मेनी टोटल लाइंस आर देयर? 7। सो व्हाट विल वी राइट? वी विल राइट आंसर 7। नाउ आई वांट टू टेल यू वन इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको ये जो लाइंस ड्रॉ करनी है, पेज नंबर 32 और 33 पे तो स्पेस गिवन है, सो आप उस गिवन स्पेस में ये लाइंस ड्रॉ करेंगे। लेकिन जो पेज नंबर 34 के क्वेश्चन है उनके लिए आप ये लाइंस अपनी रफ नोटबुक में ड्रॉ करेंगे और इस तरह से आप एडिशन करेंगे। अब बात हुई, ये तो बात हुई एडिशन बाय ड्रॉइंग लाइंस। आप फिंगर्स काउंट करके भी एडिशन कर सकते हैं। जिस तरह से हम ये लाइंस ड्रॉ करके एडिशन करते हैं, वैसे आपके जो हमारे हैंड में फिंगर्स है उनको काउंट करके भी एडिशन कर सकते हैं। 4 फिंगर्स इन वन हैंड एंड दिस इज थंब, सो वी विल काउंट इट 5, 5 इन दिस एंड 5 इन दिस। हाउ मेनी टोटल फिंगर्स आर देयर? देयर आर 10 फिंगर्स। ओके, सो व्हाट विल वी डू इफ वी हैव टू डू 5 प्लस 3? अगर हमको 5
8. Like this we will write the answer 8. You can count 5, 6, 7, 8. How many fingers are there? 8 fingers, so we will write answer 8. Now this is 4. So what will we do? 4 plus 4. 4 is empty finger lenge or 4 is empty finger lenge. So kitna ho gaya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So what will we write? We will write answer 8. Like this 6 plus 1. So 6 ye ho gaya? 6 ho gaya. Now abhi humko one more chahiye. To ab dusra hand to aur la nahi sakte kyunki hamare paas kitne? 2 hands hai. So what will we do? We will raise one finger more. हम क्या करेंगे, एक फिंगर को और बाहर निकाल देंगे, तो कितना हो गया, how many total lines are there, 7, so 6 plus 1 is 7, so 7 is answer. I hope you get the chapter, you get the topic, you can do it very easily. You have to do this page number 32 and 33 in your book, 33 also in book, and 33 को आपको अपनी notebook में भी करना है, ठीक है? तो पेज नंबर 32, 32, 33 और 34 आपको पूरे कंप्लीट करने हैं और 33 में जो एक्सरसाइज आपको दे रखी है वो आपको नोटबुक में भी सेम एज इट इज करना है. ओके, सो कीप लर्निंग, स्टे सेफ, गुड लक.